हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्लास फिफ्थ की इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। थर्ड चैप्टर का नाम है हमारा नाउन, यानी कि आज हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज़ नाउन। ठीक है, नाउन किसे कहते हैं इसके बारे में समझने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी होगी छोटे क्लासेस में कि संज्ञा क्या होती है, कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें देखते हैं डिफिनेशन इसमें क्या लिखी हुई। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स सच एस मोहन, टेबल, क्लास, कॉपर, दिल्ली, ताजमहल, एटीसी। यानी कि जो नाउन है वो क्या है कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के नेम होंगे। ठीक है, जैसे कि मोहन पर्सन नेम हो गया, टेबल थिंग नेम हो गई, क्लास ये हमारी प्लेस नेम हो गई, कॉपर ये हमारा मेटल हो गया, मटेरियल हो गया, या मेटल कहते हैं। दिल्ली ये एक सिटी का नेम हो गया, ताजमहल ये एक बिल्डिंग नेम हो गया। तो ये सब हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। किसी न किसी चीज़ के नाम है, यानी किसी थिंग्स के नाम है, किसी एनिमल नेम, प्लेस नेम या पर्सन नेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि हमें नाउन के काइंड्स पढ़ना है। देखिए, नाउन जो है वो हमारे फाइव टाइप्स होते हैं। लिखा हुआ है नाउन आर फाइव टाइप्स सच एज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ कि अ नाउन विच नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स का पर्टिकुलर नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल में जैसे रजनीकांत, मदर टेरेसा, बिल गेट्स, ये सब हमारे क्या पर्सन नेम है। प्लेस के फॉर्म में दिल्ली, कानपुर, एशिया, हापुर, ये हमारे क्या हुआ है, प्लेस नेम हो गए। एनिमल नेम गॉड, डॉग, कैट, गोट, इटीसी, ये हमारे एनिमल्स नेम। तो ये क्या हो गया कि पीपल, प्लेस और एनिमल नेम्स हो गए, तो ये हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब जो किसी जाति का बोलता है, एज इट इज जिसे कहते हैं कि अ नाउन दैट गिव्स अ कॉमन नेम टू पर्सन, प्लेस, एनिमल, प्रोफेशन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। यानी कि कॉमन नाउन क्या होती है कि किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, प्रोफेशन या थिंग इसको एक कास्ट दे दे, सेम क्लास और काइंड, यानी कि उसका सेम क्लास हो या काइंड हो, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कहते हैं सिटी, तो सिटी क्या है, कोई भी सिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं कानपुर, तो कानपुर का एक सिटी नेम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। बट अगर कहते हैं कि सिटी, तो सिटीज़ में तो कोई सा भी सिटी आ जाता है, यानी कि एक ये नेम कॉमन दे दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लिखा हुआ है द सिटी इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन बिकॉज इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर सिटी। यानी कि जो सिटी है वो क्या, एक सिटी का नेम है, ये किसी पर्टिकुलर सिटी को पॉइंट आउट नहीं करता है, सच एज कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, बट इट इज़ यूज फॉर पैच प्लेस एंड एवरी सिटी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बल्कि ये क्या है कि मतलब वर्ल्ड के किसी भी पार्ट के लिए यूज किया जाता है। चलिए देखिए, हमारी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की सीरीज दी हुई है। प्रॉपर नाउन प्लेस पर्सन नेम होंगे, कॉमन नाउन जो किसी स्पेशली यानी कि पर्टिकुलर वर्ड के लिए ना यूज किया जाए, बल्कि क्या हो, पूरा कॉमनली सब चीज़ के लिए यूज किया जाए। जैसे राजू ये एक पर्सन नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये क्या है कि एक मतलब जाति को दर्शा रहा है, यानी कि मेन, ये क्या कॉमनली यूज़ किया गया है पर्सन के लिए, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। इसी तरह से ये प्रॉपर नाउन की आपकी सीरीज दिया हुआ है या कॉमन नाउन की सीरीज दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया, मटेरियल नाउन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ और थिंग यूज टू मेक अदर थिंग्स सच एज। यानी कि जो मटेरियल नाउन होते हैं वो पृथ्वी या कहते हैं कि मतलब पृथ्वी पर मौजूद जो भी वस्तुएं हैं उनसे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाए, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, गोल्ड से कई चीज़ें बनती हैं, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, ज्वेलरी भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सिल्वर, उसमें भी ज्वेलरी बनती है, अलग अलग प्रकार होते हैं। आयरन की भी कई एक मेटल बनते हैं, जैसे अलग अलग तरीके के यूज़ होते हैं। कॉटन के भी अलग अलग तरीके के यूज़ होते हैं। तो ये सारी वस्तुएँ क्या है कि इन सभी वस्तुओं से, यानी कि इन सभी ऑब्जेक्ट से अदर थिंग्स का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे ब्रिक्स की बात करें, तो ब्रिक्स यानी कि ईंटों से हमारा घर भी बनता है, किसी जो है मतलब अदर चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो वो हमारे क्या हो गए, मटेरियल नाउन हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब जहाँ पे समूह का बोध हो, जैसे कह रहा है अ कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स टेकन टुगेदर। यानी कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमारे पर्सन, एनिमल, थिंग्स, इन सबको एक साथ लेकर के जब ग्रुप का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। सच एज स्कूल ऑफ फिश, यानी कि फिशों का समूह।
अ फ्लीट ऑफ शिप शिप्स का समूह, अ फ्लॉक ऑफ शिप 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 का समूह, अ पैक ऑफ कार्ड कार्ड का समूह, ये सब हमारे क्या हो गए कलेक्टिव नाउन हो गए। कुछ आपके नीचे कलेक्टिव नाउन दिए हुए जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्या हो गए टीम क्लास, ये सब हमारे क्या हो गए कलेक्टिव नाउन हो गए। तो ये आपके पूरे कलेक्टिव नाउन की सीरीज दी हुई है। लास्ट पार्ट होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या हो गया, अ नाउन दैट रिफर्स टू रिलेशनशिप क्वालिटीज आइडियाज थ्योरीज फीलिंग्स स्टेट ऑफ बींग इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो रिलेशनशिप्स को, क्वालिटीज को, आइडियाज को, थ्योरीज को, फीलिंग्स को या स्टेट को डिफाइन करते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ योगेश ऑलवेज स्पीक द ट्रथ, ठीक है। सेकेंड दिया हुआ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी क्या है, एक क्वालिटी को दर्शा रहेगा कि वो क्या बेस्ट पॉलिसी है, तो ऑनेस्टी हमारा क्या हो गया यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है वी कैन सी द सन, वी कैन टच द बुक, बट कैन वी सी और टच द ट्रथ और ऑनेस्टी। यानी कि हम सन को देख सकते हैं, बुक को टच कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ट्रथ और ऑनेस्टी को देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, बल्कि क्या इसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं, क्या एक तरह का भाव प्रकट कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह से बनते हैं। फ्रेश से बना है फ्रेशनेस, यानी कि हमारा क्या है एक नाउन में हमने सफिक्स लगा दिया तो ये हमारा क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इस तरह से ये आपके सफिक्स लग जाएंगे, सफिक्स लगा करके हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह से आपका एक और आ जाएगा टी आई ओ एन एस आई ओ एन, ये भी हमारे क्या सफिक्स लगाने सब्जेक्ट नाउन बन जाएंगे। जैसे एक्सपेक्ट में हम लोग सफिक्स टी आई ओ एन लग जाएगी तो एक्सेप्शन, ठीक है। एक्ट वाला होता है काम करना, जब एक्ट में टी आई ओ एन लग जाए तो क्या होगा एक्शन, यानी काम, ये हमारा क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, अब आती है हमारी एक्सरसाइज, आपको राइट आंसर को करेक्ट करना है। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन क्या है मतलब नेम है किसका, पर्सन का या थिंग का या बोथ ऑफ देम, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बोथ ऑफ देम, आप उसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इट इज़ वन ऑफ द कॉमन नाउन, इनमें से कोई एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन जैसे मेरठ, ये सिटी का नेम है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। रामायण, ये क्या एक बुक का नेम है तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी हमारा कॉमनली यूज़ किया गया तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर नाउन, इनमें से कोई एक प्रॉपर नाउन, तो दिल्ली क्या सिटी नेम है, कंट्री और सिटी ये दोनों क्या कॉमनली यूज़ किया गया तो ये कॉमन नाउन हो गया। तो दिल्ली हमारा क्या है पर्टिकुलर यूज़ किया गया सिटी का नेम, तो ये हमारा क्या प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट आता है इट इज़ वन ऑफ द मटेरियल नाउन, इनमें से कोई एक मटेरियल नाउन है। देखिए गोल्ड क्या है, ये हमारा मटेरियल नाउन किससे, क्योंकि इसे अदर ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जा सकता है, तो ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया, आप इस पर टिक कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड एज द प्रॉपर नाउन, यानी कि आपको इस ग्रुप को पढ़ना है और इसके प्रॉपर नाउन डिफाइन करना है। जैसे योर नेम, आपका नाम, यहाँ पे आप प्रॉपर नाउन, यानी कि आपको जो नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, तो यहाँ पे फिल अप कर लीजिएगा। फ्रेंड्स नेम, कजिन नेम, स्कूल नेम, प्रेसिडेंट नेम, सिस्टर नेम, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये सारे नेम्स क्या होंगे हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसको आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कि राइट द कॉमन नाउन फॉर एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन, आपको कॉमन नाउन लिखने, यानी कि जो प्रॉपर नाउन आप ये दिए हुए हैं इसके भी पर आपको कॉमन नाउन लिखने, जैसे हिमालय द अल्प्स, तो ये माउंटेन नेम, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे माउंटेन। गंगा यमुना, ये रिवर नेम है तो यहाँ पे लिख देंगे रिवर, वो हमारे कॉमन नाउन हो जाएंगे। रामायण बाइबल, ये क्या होली बुक है, तो आप यहाँ पे होली बुक लिख देंगे। गेटवे ऑफ इंडिया, ये क्या एक प्लेस है, तो ये आपका प्लेस हो जाएगा। राहुल, अनुज, आकाश, ये हमारा क्या है पर्सन नेम है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे मैन, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको पूरा फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ है कि पिक आउट द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन एंड राइट देम इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स, यानी कि आपको ये पढ़ना है इसमें प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन फाइंड आउट करके आपको उस कॉलम में फिलअप करना है।